सवाल करने की शरीयत में हुर्मत है। अस्सलाम वालेकुम, हमारा सवाल है कि एक मस्जिद है उसमें पहली सफ है और ऐसी ऊपर दूसरी सफ है, पहली सफ में तो नीचे पहली सफ में पढ़ना सवाब है, तो वैसी लाइन में ऊपर भी पहली सफ में पढ़ना सवाब है। भाई ने सवाल किया कि जो पहली सफ में नमाज पढ़ने के आज मिलता है, सवाब मिलता है, तो क्या ऊपर की फ्लोर पे पहली सफ में मिलेगा? तो मैं कहूँगा नहीं। पहली सफ वो मानी जाएंगी जो इमाम के पीछे हो, दूसरी उसके पीछे, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, दसवीं, इसके बाद अगर छत भरता है तो वो पहली सफ को माना जाएगा, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं। जाहिर सी बात है पहली सफ से मुराद इमाम के पीछे वाली पहली, दूसरी मतलब इमाम के पीछे दूसरी, तीसरी मतलब इमाम के पीछे तीसरी, हदीस में फजीला, चौथी मतलब इमाम के पीछे चौथी, उसके बाद की। ऊपर की फ्लोर पर जब इंसान जाएगा तो वो होगा, अगर 10 नीचे है, 12 नीचे है, 15 है, तो वो 16वीं, 11वीं, समझे, ऊपर की होंगी, तो पहली सफ का उसको सवाब नहीं मिलेगा।